कांग्रेस के ऑफिस में जो हमने ज्वाइनिंग की, वो मनोहर और उनके जो सारे साथी हैं उन्होंने आज ज्वाइन किया कांग्रेस पार्टी में। ये यहाँ जम्मू गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी के वोटर हैं और इन्होंने आज पहली बार कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन किया, इनका हम दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं। दूसरा, जो कल डोंगरी के रहने वाले प्रिंस जो जख्मी थे, इंजर्ड हुए थे बम ब्लास्ट में और वहाँ मिलिटेंट टेरर अटैक में डोंगरी में, तो उनकी वफात हुई कल। पहले तो जितने भी फैमिली के लोग मरे उनका हमें बेहद दुख है, अफसोस है इस टेरर इंसिडेंट का। और जो कल वफात हुई एक नौजवान की, जो अपने जख्मों की ताब न लाकर इस दुनिया से चल बसा, उसके लिए हमें बहुत दुख है और कांग्रेस पार्टी उस पर बहुत मातम है कांग्रेस पार्टी को, और हम दुख मना रहे हैं उसकी आज जो उसकी वफात हुई रात को। और तीसरा, ये मैं आप सभी साथियों को कहना चाहता हूँ कि जो भारत जोड़ो यात्रा जो कन्याकुमारी से निकली है राहुल गांधी जी की सदारत में, और अभी तक जितने भी स्टेट आए, चाहे केरला, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, और अब हरियाणा में चल रही है तो सुबह वो पंजाब में पहुंच जाएगी। तो पंजाब में 10 दिन चलने के बाद 20 तारीख को भारत जोड़ो यात्रा का जो फर्स्ट इवेंट हो, टेकिंग सेरेमनी होगा, वो लखनपुर में होगा। और लखनपुर में बहुत बड़ा इवेंट होगा और उसमें पंजाब वाले लोग भारत जोड़ो यात्रा जो है हमारे लोगों के सुपुर्द करेगी, और हम लोग लखनपुर से लेके पूरा श्रीनगर तक राहुल जी के साथ चलेंगे, पैदल चलेंगे। चाहे कितनी भी बारिश हो, कितनी भी धुंध हो, कितना भी बर्फबारी हो, भारत जोड़ो यात्रा पूरा अपना लक्ष्य जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल गांधी ने फिक्स किया है वो पूरा इंशाल्लाह लक्ष्य तक पहुंचेगी। और कश्मीर में बहुत बड़ा इवेंट होगा, फ्लैग सेरेमनी होगी, और राहुल जी और दूसरे जो हमारे खड़गे साहब, प्रियंका जी और जो भी साथी आएंगे वहाँ पे, सीनियर साथी, वहाँ पे एक नेशनल इवेंट हो रहा है। भारत जोड़ो का जो असली मकसद है वो ये है कि जो राहुल जी निकले थे 7 सितंबर को कन्याकुमारी से, उसका ये था कि एक तो मुल्क में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है जिसमें हमारी स्टेट हरियाणा के बाद नंबर 2 पे है। इस वक्त यहाँ भी 34% की बेरोजगारी है और बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं, अगर नौकरियाँ कभी निकली भी तो उनमें स्कैंडल निकले। तो एक तो वो लक्ष्य है बेरोजगारों के लिए लड़ना, उनको रोजगार दिलाना। दूसरा जो लक्ष्य है भारत जोड़ो यात्रा का वो ये है कि आम आदमी जो है महंगाई से परेशान है। तो ये जो मोदी जी का 8 साल का शासन रहा, उस शासन में गरीब गरीब होता गया और अमीर बहुत ज्यादा अमीर होता गया। अभी आप 8 साल पहले अडानी की दौलत देख लीजिएगा, आज दुनिया का 3rd नंबर रीस बना है, उसी के कर्जे माफ हो रहे हैं, उसी को लोन मिल रहे हैं, उसी को एयरपोर्ट दिए जा रहे हैं, उसी को ट्रेनें दी जा रही है। अगर किसानों की एजिटेशन नहीं होती तो आज किसानों को भी वो खा गया होता। तो ये चीजें हैं तो जिसके लिए राहुल जी लड़ रहे हैं। और तीसरा, जो नफरत 8 साल में फैलाई गई, हिंदू मुसलमान की नफरत इतनी फैलाई गई और उसी नाम पे वोट मांगे गए और उसी नाम पे इलेक्शनों को ऐसे बनाया गया, जब भी इलेक्शन होता है तो पोलराइजेशन और लड़ाई और हिंदू मुस्लिम के नाम पे ही भाजपा की जो दुकान है वो चल रही है, आरएसएस की दुकान चल रही है। तो उसको मिटाने के लिए, उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, मुल्क में भाईचारा जो है उसको दोबारा नाफिज करने के लिए राहुल गांधी जी निकले हैं। और तीसरा, मैं कभी कभी हम मुखालफत भी करते हैं तो कभी हम तारीफ भी करते हैं। मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। हम 2 बार डेपुटेशन लेके उनके पास गए, हमारे साथ पहली डेपुटेशन में केसी वेणुगोपाल जी, हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, जो मेंबर पार्लियामेंट भी है और एक्स मिनिस्टर यूनियन भी है,
तो उनकी सदारत में हमें हमारी एक डेलीगेशन मिला एलजी साहब से, और एलजी साहब को जो हमने राहुल जी की यात्रा के लिए परमिशन और डिस्कशन किया कि कहां कहां से यात्रा चलेगी, कहां रुकेगी, तो उन्हें हमें एश्योर किया कि हम आपको पूरा फुली पॉसिबल हर मामले में परमिशन भी देंगे, मदद भी करेंगे। वो ड्यूकाम जम्मू हो, ड्यूकाम कश्मीर हो, आईजी जम्मू हो, आईजी कश्मीर हो, सिक्योरिटी का, परमिशंस का, रोड में चलने का, इवेंट्स का, ये सारा डिस्कस हुआ, तो हम उसका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। और हमें यकीन है कि भारत जोड़ो यात्रा जब तक खत्म होगी तब तक एडमिनिस्ट्रेशन और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन हमें पूरा सहयोग करेगी, ताकि पूरा अमन तरीके से जो भारत जोड़ो यात्रा पूरे हिंदुस्तान में चली है, नीचे साउथ पोल से लेके नॉर्थ पोल तक अब आ रही है, तो उसमें जितना सहयोग मिला है बाकी जगहों पे, तो मुझे यकीन है कि गवर्नमेंट हमें यहाँ भी पूरा सहयोग करेगी, ताकि पूरा अमन तरीके से एक नेशनल प्रोग्राम चल रहा है, मुल्क को यूनाइट करने का प्रोग्राम चल रहा है।